दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार दिवाली के दौरान दिन में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है और रात को ठिठुरन का अनुभव हो सकता है। विशेष रूप से दिवाली के बाद रात के तापमान में और अधिक गिरावट आने की संभावना है। बुधवार को राजधानी भोपाल में दिन के समय तापमान ज्यादा होने के बावजूद लोगों को हल्की ठंडक का एहसास होता रहा। मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली तक मौसम शुष्क बना रहेगा, इसके बाद ठंड का असर दिखना शुरू कर सकता है। मौसम के इस बदलाव के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उससे लगे उड़ीसा के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है। इससे प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बुधवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के करीब और उससे कम दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार जताए हैं। राजधानी भोपाल में दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ, जबकि रात के न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखने को मिली है। दिवाली तक मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन उसके बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। हाल के दिनों में प्रदेश के कई जगहों पर हल्की बारिश देखी गई, जबकि कुछ स्थानों पर धूप खिली हुई नजर आई। कुछ जगहों पर धूप ज्यादा तेज होने के कारण गर्मी का एहसास भी होता रहा है। हालांकि प्रदेश में रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे सर्दियों की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। खजुराहो में बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश का सबसे ऊंचा तापमान है। इसके अलावा गुना में 36.5 डिग्री और ग्वालियर में 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं रात का सबसे कम तापमान पचमढ़ी में 14.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोपाल में मौसम साफ रहने से रात का पारा गिरने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में बने सर्कुलेशन सिस्टम के कारण नमी आ रही है, लेकिन इसका असर बारिश के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। इसके चलते भोपाल सहित अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, जिससे रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में दिवाली से पहले मौसम में बदलाव के संकेत स्पष्ट हैं। ठंडी हवाओं के साथ लोगों को रात में ठंड का अनुभव होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिवाली के बाद तापमान में और अधिक गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में लोगों को अपने दैनिक जीवन और स्वास्थ्य के लिहाज से तैयार रहना होगा। सर्दियों की शुरुआत के साथ ये मौसम का बदलाव एक नई चुनौती भी लेकर आ सकता है, जिसे समझना और अपनाना जरूरी है।